दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ENG वर्सेज IRE, इंग्लैंड वर्सेज आयरलैंड। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में जो है ये सेकंड ODI का मैच होने वाला है। फर्स्ट जो मैच हुआ था बारिश के कारण जो है अबंडेड हो गया था, ये जो सेकंड मैच है डेफिनेटली यहाँ पर जो है फेवरेट टीम इंग्लैंड रहने वाली है। लेकिन आयरलैंड के कौन से अच्छे प्लेयर्स रहेंगे जो कि आपको टीम में अपने लेने चाहिए, वीडियो को पूरा देखिए। इंग्लैंड को भी एक बड़ा झटका लगा था, और झटका नहीं मतलब बोल सकते हो कि बड़े प्लेयर्स को जो है रेस्ट दिया गया, जॉय रूट को, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को मेरे भाई पूरा देखना, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं है, वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। डायरेक्टली मैच के बारे में अब बात करते हैं। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड सेकंड ODI मैच है, मैच 3 बजे से स्टार्ट होगा। ट्रेंट विंट नॉटिंगम के वेन्यू पे ये मैच जो है होने वाला है। यहाँ की अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच जो है यहाँ की बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है, बैटर्स के लिए जो है अच्छा यहाँ पे इंजॉयमेंट रहता है। 289 रन यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर है, स्कोर काफ़ी अच्छे यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पर जो है आप देखोगे फास्ट बॉलर्स को इंग्लैंड के वेन्यू पे एक चीज़ है भाई, फास्ट बॉलर्स को इंजॉयमेंट मिलती है। जो भी टीम यहाँ पे जो है टॉस वन करेगी ना, वो फील्डिंग लेना जो है प्रेफर करेगी। जो भी टीम यहाँ पे फील्डिंग जो है करे पहले, तो उसको जो है थोड़ा सा आप फेवरेट कर सकते हो उनके बॉलर्स को। स्पेशली यहाँ पर मैं आयरलैंड पे फोकस करूंगा। अगर पहले बॉल करती है तो उनके मैक्सिमम बॉलर्स आप जो है लेके जा सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा जरूर से होगा जो 3-4 विकेट जो है लेके जाने वाला है। और मेक श्योर आपने जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। दोस्त हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सपोर्ट करें। इस वेन्यू की अगर हम बात करें स्टैट्स की, टोटल जो है 48 मैचेस हुए हैं, 21 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 25 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखोगे 260 रन है, हाईएस्ट स्कोर देखोगे 481 रन है, लोवेस्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो 83 रन है। और इस वेन्यू पर अगर आप देखोगे 48 मैचेस में 200 से नीचे का स्कोर 13 बार बना है, 200 से 250 के बीच में 8 बार, 250 से 299 के बीच में 17 बार, और 300 से ऊपर जो है यहाँ पर 10 बार स्कोर बना है। वैसे तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है 4 साल पहले यहाँ पर जो है ODI मैचेस खेले गए हैं। इस वेन्यू पे आप देख सकते हो कि भाई रन बनते हैं, अच्छे खासे जो है रन बनते हुए आपको दिखाई दिए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर जो है रन बनते हुए आपको फिर से दिखाई देंगे अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैट करती है। 320-30 तो नॉर्मली है इंग्लैंड का बनाना, तो वो आप मान के चलना कि इतना बनने वाला है। हेड टू हेड के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, हेड टू हेड में देखोगे टोटल जो है लास्ट के 10 मैचेस में 8 बार इंग्लैंड की टीम ने विन किया है और 2 बार आयरलैंड की टीम ने जो है विन किया है। लास्ट मैच 2020 में इनका हुआ था, जहां पर आयरलैंड की टीम ने बहुत शानदार जो है विन दर्ज की थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 329 रन बना के जो है आयरलैंड की टीम ने विन किया था। उसके पहले इंग्लैंड की टीम ने जो है बैक टू बैक जो है 4 मैचेस यहाँ पर विन निकाले हुए हैं। तो गाइज ये हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात हो गई। अब दोनों ही टीम की अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं, इंग्लैंड अपने लास्ट के 3 मैच विन करके आ रही है और आयरलैंड भी अपने लास्ट के 3 मैच जो है विन करके आ रही है। लेकिन इसके पहले वाला इन लोगों का मैच जो है अबंडेड हुआ था, वो चीज़ आपको ही पता होगी। लास्ट 5 मैचेस की डिटेल्स जो है इंग्लैंड के और आयरलैंड के आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। रिसेंटली इंग्लैंड ने जो है न्यूजीलैंड के साथ में मैचेस खेले थे, और आप देख सकते हो बैट फर्स्ट करते हुए 311, 368, 226 और ये स्कोर करते हुए जो है इन्होंने विन निकाला था। आयरलैंड की अगर हम बात करें, आयरलैंड ने भी नेपाल, यूएसए, यूएई के अगेंस्ट भी खेला था और जो है विन निकाला हुआ है। अब देखो यहाँ पे जॉय रूट जो है अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह पे जो है टॉम कुलर कार्डमोर को जो है यहाँ पर लाया गया है और जॉय रूट को जो है रेस्ट दिया गया है। टॉम कुलर कार्डमोर बहुत ही तगड़े पावर हीटर बैटर हैं, तो उनको जो है यहाँ पर उन्होंने रिप्लेस किया है जो है जॉय रूट को। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए, फिलिप शॉर्ट के साथ में जो है विल जैक्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे जैक क्रॉली हैं, उसके बाद बेन डकेट है, हैरी ब्रुक है, सैम हैन है, उसके बाद रेहान अहमद है, बी क्रीज हैं, उसके बाद सी ओवरटन है, लुक वुड है और मैथ्यू पॉट्स हैं। तो ये इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 है। प्लेयर रोल में आप देख सकते हो बेन डकेट एकमात्र आपको जो है लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर बैट करते हुए नजर आएंगे, बाकी मोस्टली जो है राइट हैंडेड यहाँ पर आपको बैटर मिलने वाले हैं। आयरलैंड की प्लेइंग 11 की बात की जाए, एंड्रू मकब्रीन के साथ में आपको पॉल स्टर्लिंग ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे एंड्रू बलब्रीन है, उसके बाद हैरी टकर है, लॉरेन टकर है, कुर्तिस कैंपर है, जॉर्जो डॉकरेल है, ग्रेथ डैनली है, मार्क आदिर है, बेन मकार्टी है और यहाँ पे जोशुआ लिटिल है। तो ये आयरलैंड टीम की प्लेइंग 11 है। दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर हमने जो है लिखा हुआ है। अब प्लेयर की स्टैट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एक प्लेयर का आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म हमने डाला हुआ है, ODI करियर के स्टैट्स भी हमने लिखे हुए हैं, तो सभी चीज़ें जो है आप यहाँ पर इनके पढ़ सकते हो। टॉप पिक्स की बात करते हैं। टॉप पिक्स यानी कि की प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से रहेंगे, फिलिप शॉर्ट, कुर्तिस कैंपर, रेहान अहमद, जैक क्रॉली, मार्क आदिर, एंड्रू बलब्रीन, एंड्रू मकब्रीन, विल जैक्स, ये बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं स्मॉली की टीम में, इन प्लेयर को जो है आप लेके जा सकते हो। इसमें एंडी मकब्रीन जो है ना, एक तो है कि भाई ये ओपन भी करेंगे और बॉलिंग भी करते हैं, इनके पास जो है एडवांटेज जाएगा।
स्मॉल लीग में सीबीसी जा रहे हो, फिलिप्स शॉट, कुर्तिस कैंपर, रेहान अहमद, जैक क्रॉली, ये बढ़िया ऑप्शन है स्मॉल लीग की टीम में, इनको जो है आप सीबीसी कर सकते हो। ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हो, मार्क आदिर, बलब्रीन, एंडू मकब्रीन और विल जैक्स, इनको आप ट्राई करना ग्रैंड लीग की टीम में, ये बढ़िया ऑप्शन जो है रहने वाले हैं। यहाँ पर हमने इंग्लैंड टीम की पूरी फुल स्कोर डिटेल, आयरलैंड टीम की पूरी फुल स्कोर डिटेल, दोनों ही टीम की स्कोर डिटेल दे रखी है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस टेलीग्राम का चैनल आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है, टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आपको टॉस की इन्फॉर्मेशन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11 टीम, सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि दो टीम जो है फिर से मैं शेयर करूँ। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना है, ओडीआई मैच है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं, फिलिप शॉट, लॉरेन टकर, आपको दो ऑप्शन मिलती है। देखो यहाँ पर जो है फिलिप शॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इनको अपनी टीम में लेके जाओ। सॉरी हैरी ब्रुक भी जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जैक क्रॉली को मैंने अपनी टीम में लिया है, बैन डकेट को अपनी टीम में लिया है, बाकी पॉल स्टर्लिंग को आप लेके जा सकते हो। अगर यहाँ पर टॉम कोलर कार्डमोर खेल गए, डेफिनेटली 30-40 रन आपको करके दे सकते हैं, इनको अपनी टीम में लेके जा सकते हो। अगर टॉप ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो, सैम हैन को लेके जाना यार, बहुत तगड़ा जो है प्लेयर है, डेफिनेटली जो है आप लेके जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से अगर मैं बात करूं, कुर्तिस कैंपर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको मिलती है, इनको अपनी टीम में लेके जाओ। मैंने विल जैक्स को भी अपनी टीम में लिया है, रेहान अहमद, मकबरीन, और इसमें जो है मकबरीन मुझे बढ़िया ऑप्शन लगते हैं, इनको अपनी टीम में लेके चलते हैं। आप यहाँ पे ओवरटन को लेके जा सकते हो या रेहान अहमद, देखो दोनों अपने दिन पे जो है बहुत अच्छा करके आपको दे सकते हैं। ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर लेना, मेरी मिनी जीएल वाली टीम में जो है ओवरटन आने वाले हैं। बॉल से अगर मैं बात करूं, बी क्रिस, लूक वुड दोनों डायरेक्टली हमारी टीम में आएंगे, मैंने मार्क आदिर को अपनी टीम में लिया है और बैन मकार्टी को अपनी टीम में लिया है, जोशुआ लिटिल को अपनी टीम में लिया है। उम्मीद करते हैं कि पहले जो है बॉलिंग आए जो है आयरलैंड की, तब जो है ज़्यादा मज़ा आएगा। सीवीसी की बात करें तो देखो यार यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया जो आपको ऑप्शन मिलती है विल जैक्स की मिलती है, तो मैंने इनको जो है कैप्टनसी की दी हुई है, और इसलिए दी हुई है क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, अगर बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली ट्रम्प कार्ड के प्लेयर बनेंगे। और यहाँ पर जैक क्रॉली को जो कि जो है थोड़ा सा टेस्ट मैचेस में जो है ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस रहता है और रुक कर खेलते हैं, विकेट फेंक कर नहीं जाते, तो 30-40 रन की उम्मीद है कि भाई इतना कर देंगे तो हमारा जो है विन हो जाएगा। 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाया है, 6 प्लेयर इंग्लैंड के, 5 प्लेयर आयरलैंड के लिए हैं। फिलिप शॉट है हमारी टीम में, बैन डकेट है, जैक क्रॉली है, मकबरीन है, विल जैक्स है, कुर्तिस कैंपर है, लुक वुड है, मार्क आदिर है, जोशुआ लिटिल है, बी क्रेज है और बैन मकार्टी है। देखो यहाँ पर आप सेफ ऑप्शन जो है कुर्तिस कैंपर या फिर मकबरीन के भी साथ में जा सकते हो, ये आपके ऊपर जो है चॉइस रहेगी। और फाइनल टीम देखने के लिए यार टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।